वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस व जिला प्रशासन पर हमला हुआ है। हमले में पटवारी का पैर टूटा, बांसूर अस्पताल में भर्ती कराया है। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस व प्रशासन के वाहनों पर पथराव किया, पथराव कर तीन वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने अपने बचाव के लिए हवाई फायर की, अलवर से बुलाया गया भारी पुलिस, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम राकेश मीणा, बांसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, बांसूर हरसोरा थानाधिकारी ताराचंद शर्मा, तहसीलदार सहित प्रशासन मौके पर है। बांसूर के गाँव नांगल लाखा की यह घटना है, यहाँ पर कार्रवाई की गई। अलवर के बांसूर से बड़ी खबर है, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप अतिक्रमण हटाने यहाँ पर पहुंची थी पुलिस व जिला प्रशासन की टीम, उन पर हमला किया गया। हमले में पटवारी का पैर टूटा है, बांसूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पटवारी को। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस व प्रशासन के वाहनों पर पथराव किया, पथराव कर तीन वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने अपने बचाव के लिए यहाँ पर हवाई फायर भी की, अलवर से भारी पुलिस अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम राकेश मीणा, बांसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, बांसूर हरसोरा थानाधिकारी ताराचंद शर्मा, तहसीलदार सहित प्रशासन मौके पर है। बांसूर के गांव नांगल लाखा की घटना है, जहां पर अतिक्रमण कार्यों पर शिकंजा कसने के लिए ही पुलिस यहां पहुंची थी। पुलिस व जिला प्रशासन पर हमला किया गया, जिस वक्त अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान हमले में पटवारी का पैर टूटा है। तुरंत ही अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन अतिक्रमण कार्यों के हौसले किस कदर बुलंद, जब टीम यहां पहुंचती है प्रशासन की, पुलिस की, तो उन पर पथराव किया जाता है। और बांसूर से स्थानीय संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से पथराव किया गया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, कितने लोग जख्मी हुए और अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकेश, अब तक आवाज आ रही है? तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और प्रशासन के वाहनों पर पथराव किया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतिक्रमणकारियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, कि जब यहां पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची उन पर कार्रवाई करने के लिए, तो उन्होंने पथराव कर दिया, जिसमें न सिर्फ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं बल्कि लोग घायल भी हुए हैं, चोट लगी है, पटवारी का पैर तक टूट गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ था, टीम पहुंची थी और उन पर हमला किया गया। बांसूर अस्पताल में ही पटवारी को भर्ती किया गया है, इस दौरान उनका पैर टूटा, इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन एक तो अतिक्रमण किया गया और जब कार्रवाई करने पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। अब देखना होगा कि किस तरह से इन्हें गिरफ्त में लेती है पुलिस, क्या सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर इसी तरह से हौसले बुलंद रहे तो अतिक्रमण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसलिए सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि एक गांव है लाखा का नांगल, उस गांव में लगभग 1100 से 1200 बीघा जमीन पर कुछ बाहुबलियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था वर्षों से, और उसको हटाने के लिए प्रशासनिक जो टीम के साथ पुलिस का जाब्ता इमदाद देने गया हुआ था, और उसमें अतिक्रमण को हटवाया जा रहा था। एक अतिक्रमण जो एक खसरा का अतिक्रमण हट गया था, दूसरे को अतिक्रमण को जो हटवाने जा रहे थे, तो जब गांव के एक रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो वहां महिलाओं और पुरुषों ने पथराव कर दिया, जिसमें गाड़ी जो है उस पर गाड़ी के कांच वगैरह क्षतिग्रस्त हुए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी।